लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मंडल सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ धान खरीद, स्वच्छता अभियान व धार्मिक गुरुओं से आपसी सामंजस्य सहित अन्य विषयों पर चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि त्योहार के दृष्टिगत लगातार अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ पैनी नजर बनाए रखें, साथ ही आश्रित गौशालाओं पर पशु चिकित्सा अधिकारी बराबर गांव की निगरानी करते रहें, जिससे पशुओं को बीमारी से बचाया जा सके और फरियादी बेवजह थानों व तहसीलदारों का चक्कर न लगाएं। पूरी जिम्मेदारी के साथ फरियादियों की समस्याओं का मौके पर जाकर निस्तारण किया जाए। सीएम ने कहा कि किसानों की आय को दुगनी करने के साथ ही धान क्रय केंद्र खोलकर धानों के विक्रय का कार्य किया जाए। स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान देते हुए साफ सफाई की व्यवस्था निरंतर सुचारू रूप से चलाई जाए। इस दौरान डीआईजी जे रविंद्र गौड़, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडन, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे, जीडीओ उपाध्यक्ष प्रेम रंजन सिंह, नगर आयुक्त अविनाश सिंह, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंसिंग है 4-5 मुद्दों को लेकर के है। एक तो कॉलर लखीमपुर खीरी और उसके आसपास के जनपदों से जुड़ी हुई जो समस्या है उसको लेकर के, दूसरा पर्व के बाद महाअष्टमी परसों 13 अक्टूबर को पड़ेगी, महानवमी 14 को और विजयादशमी 15 अक्टूबर को। इस अवसर पर जनपद स्तर पर क्या तैयारियां हुई हैं, पहली अक्टूबर से प्रदेश के अंदर धान क्रय केंद्र प्रारंभ हुए हैं, लेकिन अपेक्षित संख्या में जो खुलने चाहिए थे अभी उसमें बहुत सारी कमियां हैं और मुझे आश्चर्य होता है कि बार बार कहे जाने के बावजूद भी जनपद स्तर पर उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। और चौथा निराश्रित को आश्रय स्थलों के बारे में, इन चार प्लांट वाला हो गया सर जनवा जी संस्था मालूम है किसानों का नहीं नहीं कहीं भी कल केवल उस तरह